हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके 21 से लेकर के 30 जून तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में। ठीक है, देखिए आप में से बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ लोगों के कॉल्स आए कि छत्तीसगढ़ का हाफ ईयरली करंट अफेयर कब आएगा। छत्तीसगढ़ का हाफ ईयरली अभी कंप्लीट हुआ है आपके 30 जून को। ठीक है, तो आपका 1 जनवरी से लेकर के इस 30 जून तक का जो एक हाफ ईयरली करंट अफेयर है, ये आपको प्रोवाइड होगा 10 जुलाई या 15 जुलाई तक। ठीक, ऑलमोस्ट आपका सारा नोट्स रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत उसमें फाइनल डाटा ऐड करने बाकी है। जैसे ही वो ऐड हो जाएंगे तो आपको 10 जुलाई या 15 जुलाई तक आपको छत्तीसगढ़ का हाफ ईयरली करंट अफेयर का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका प्रदेश का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम। प्रदेश का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम, बैम्बू मतलब होता है बांस। ठीक है, बैम्बू म्यूजियम यानी बांस का संग्रहालय। ठीक, ये मौजूद है आपके धमतरी जिले में। ठीक, धमतरी जिले में स्थित है प्रदेश का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम। इस धमतरी जिले में स्थित आपके बैम्बू म्यूजियम में 150 हेक्टेयर में 60 से अधिक बांस की प्रजाति मौजूद है। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा बैम्बू म्यूजियम जो कि आपके धमतरी जिले में स्थित है, और धमतरी जिले में स्थित इस बैम्बू म्यूजियम में 50 हेक्टेयर भूमि पर 60 से अधिक बांस की प्रजाति यहां पर विकसित की गई है। ठीक, देखिए प्रदेश का जो आपका दूसरा बैम्बू म्यूजियम है वो मौजूद है आपके बिलासपुर में। ठीक है, पहला और सबसे बड़ा स्थित है आपके धमतरी में, जबकि दूसरा मौजूद है आपके बिलासपुर में। बिलासपुर में आपके लगभग 70 हेक्टेयर भूमि पर आपके 22 बांस की प्रजाति यहां पर विकसित की गई है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा बैंबू म्यूजियम कहां पर है, तो धमतरी जिले में। दूसरा कहां पर है, बिलासपुर में, जहां बिलासपुर में आपके 70 हेक्टेयर भूमि पर 22 बांस की प्रजाति विकसित की गई है। इसी जो आपके ये जो बिलासपुर है, इसी बिलासपुर में मौजूद है आपका आर्टिफिशियल बैंबू फॉरेस्ट। आर्टिफिशियल बैंबू फॉरेस्ट, एक बैंबू फॉरेस्ट ऐसा होता है जो आपके नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पर विकसित किए जाते हैं। ये क्या है, आर्टिफिशियली। इसमें क्या है, ये जो आपका आर्टिफिशियल बैंबू फॉरेस्ट है, इसमें आपके अन्य देशों से जैसे ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है, इन देशों से बांस की अलग अलग प्रजाति यानी अलग अलग विकसित प्रजाति को ला करके यहां पर लगाया गया है। ठीक है, तो आपका जो बिलासपुर है, बिलासपुर में ही मौजूद है आपका आर्टिफिशियल बैंबू फॉरेस्ट। ठीक, और इसी बिलासपुर वाले जो आपके बैंबू म्यूजियम है, यहीं पर बनाया जा रहा है आपका बैंबू पार्क। ठीक है, एक बैंबू पार्क भी बनाया जा रहा है। तो प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा बैंबू फॉरेस्ट किस जिले में है, तो वो है आपके धमतरी जिले में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रदेश का वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र। ठीक है, प्रदेश का वृहद मतलब सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र। प्रसंस्करण मतलब होता है प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपका ये जो प्रोसेसिंग प्लांट है आपके ठोस अपशिष्ट का, ठीक, ठोस अपशिष्ट का जो प्रोसेसिंग प्लांट है, इसका जो उद्घाटन किया गया है आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, ये किया गया है आपके सकरी रायपुर में। ठीक है, सकरी रायपुर में इस आपके ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में आपके 100% आपके जो कचरे है उसका निपटान वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाएगा। देखिए, इस आपके ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में आपका रोजाना 500 टन, ठीक है, रोजाना जो आपका 500 टन जो कचरा है उसका निपटान वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाएगा, तथा इस कचरे से बनने वाला, इस कचरे से PPP यानी आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस कचरे से आपका खाद का निर्माण किया जाएगा, और साथ ही साथ बिजली उत्पादन भी किया जाएगा खाद। ठीक है, जिस खाद का उपयोग आपके कृषि कार्य में किया जाएगा, जबकि इस आपके 500 टन जो आपका कचरा का जो निपटान के पश्चात इससे जो है आपका बिजली उत्पादन भी किया जाएगा, लगभग 6 मेगावाट। ठीक, 6 मेगावाट बिजली उत्पादन इससे अनुमानित है। ठीक है, तो प्रदेश का वृहद यानी सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लांट या प्रसंस्करण संयंत्र कहां है पूछा जाए तो सकरी रायपुर में। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका मत्स्य बीज उत्पादन। इस मत्स्य बीज उत्पादन में जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आपके देश में 6वें स्थान पर है। हमारा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में हमारे छत्तीसगढ़ में 265 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया। 265 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया, जबकि इस चालू वर्ष में, ठीक है, वर्ष 2020-21 में लगभग आपका 285 करोड़ मानक फ्राई बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में 265 करोड़ मानक आपका फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया, जबकि वर्ष 2020-21 में 285 करोड़ मानक फ्राई बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।
गया है, ठीक है। तो ये आपका 265 करोड़ मानक मत्स्य बीज उत्पादन के साथ जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो देश में मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में छठवें स्थान पर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बस्तर का दशहरा वन, बस्तर का दशहरा वन ये मौजूद है आपका कुम्हड़कोट, ठीक है। कुम्हड़कोट में एक जंगल है जिसे बस्तर का दशहरा वन कहा जाता है। अभी इस कुम्हड़कोट के जंगल को आपका विकसित किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा। ये जो आपका कुम्हड़कोट का जंगल है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रस्म अदा किया जाता है आपके बस्तर के दशहरे पर्व से संबंधित, ठीक है। यहाँ पर आपके बाहर रैनी जो कि बस्तर दशहरे से संबंधित एक पर्व है, बाहर रैनी के दिन जो आपके बस्तर के जो राज परिवार है उनके द्वारा बाहर रैनी के दिन यहाँ पर नवाखानी, ठीक है, नवाखानी पर्व यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो कुम्हड़कोट जिसे बस्तर का दशहरा वन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका गोधन न्याय योजना, ठीक है। गोधन न्याय योजना ये प्रारंभ होगा आपके हरेली त्यौहार से। हरेली त्यौहार इस वर्ष है आपके 22 जुलाई से ही प्रारंभ होगा आपका गोधन न्याय योजना, ठीक है। हर साल जो है सावन अमावस्या के दिन आपका हरेली पर्व मनाया जाता है प्रदेश में, ठीक है। सावन अमावस्या, तो ये जो सावन अमावस्या में जो आपका हरेली पर्व मनाया जाता है, इस दिन जो किसान है अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं हमारे प्रदेश में, ठीक है। तो आपका किसानों का एक महत्वपूर्ण दिन है, इसीलिए इसी दिन से आपका प्रारंभ किया जाएगा आपका गोधन न्याय योजना। हरेली तिहार 20 जुलाई से इसे प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, ये जो आपका गोधन न्याय योजना है तो इसके अंतर्गत जो हमारे प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो किसानों से गोबर की खरीदी करेगी, ठीक है। किसानों से गोबर की खरीदी करेगी और इस गोबर की खरीदी करने वाला जो हमारा छत्तीसगढ़ जो है आपका पहला ऐसा राज्य है, ठीक है, देश का पहला ऐसा राज्य है जो किसानों से आपके गोबर की खरीदी करेगा, ठीक है। देखिए, अभी प्रारंभिक तौर पर ये जो आपके इस गोधन न्याय योजना के अंतर्गत आपके 2200 गौठानों को शामिल किया जाएगा, ठीक है। गौठान जहां पर आपके जो मवेशियों को एकत्र किया जाता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो वो जो आपके जो मवेशियों को जो गौठानों में जो एकत्रित किया जाएगा, तो वहां से जो गोबर निकलेंगे उन गोबरों की खरीदी आपकी प्रदेश सरकार करेगी, ठीक है। अभी किस मूल्य पर ये गोबरों की खरीदी होगी, किस मूल्य पर गोबर की खरीदी की जाएगी, ये अभी निर्धारित नहीं किया गया। अभी इसके लिए एक समिति बनाई गई है, 20 जुलाई तक इसका मूल्य का निर्धारण भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका देश का पहला ऐसा राज्य है जो आपके गोबर की खरीदी करेगा। देखिए, ये जो गोबर का उपयोग है आपके प्रदेश सरकार, ये जो गोबर है, गोबर की खरीदी आपकी SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूहों के माध्यम से किसानों के घर घर जा करके, ठीक है, किसानों के घर घर जा करके गोबर का वजन करके उनसे गोबर खरीदा जाएगा, ठीक है। इस गोबर का उपयोग करके जो प्रदेश सरकार है वो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करेगी, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करेगी। इस खाद का उपयोग फिर तक कृषि कार्य में किया जाएगा। इस खाद की बिक्री करेगी आपकी सहकारी समितियों के माध्यम से। प्रदेश सरकार जो है सहकारी समितियों के माध्यम से इस खाद की बिक्री करेगी और जो अतिरिक्त खाद है उसे दूसरे राज्यों में निर्यात करेगी। इससे क्या होगा, इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया है इस गोबर से, ठीक है, ये जो गोबर है जो आपके किसान ये जो गोबर बेचेंगे इससे लगभग आपका किसानों को 3000 रुपये प्रति माह, ठीक है, 3000 रुपये प्रति माह की आमदनी उन्हें अनुमानित तौर पर होगी, ठीक है। तो ये है आपका गोधन न्याय योजना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सौर सुजला योजना। सौर सुजला योजना इसकी शुरुआत हुई थी आपके वर्ष 2016 से आपके सौर सुजला योजना की शुरुआत हुई थी। ये जो आपके सौर सुजला योजना है इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य आपके विद्युत विहीन खेतों में अंशदान पर सिंचाई पंपों को स्थापित करना, ठीक है। ऐसे खेत जहां पर आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, जो आपके पोल जो आपके विद्युत के खंभे जिन खेतों तक नहीं पहुंच पाया है, तो उन खेतों में यानी विद्युत विहीन खेतों में अंशदान पर किसानों से एक राशि ली जाएगी अंशदान पर, जो आपके सौर सिंचाई पंप उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। अंशदान की जो राशि से संबंधित जो डाटा है वो हम इकोनॉमिक सर्वे में कवर करेंगे, ठीक है। अंशदान कितना है क्या है उसे यहां पे नहीं कवर कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन किसानों से एक अंशदान लेकर के आपके सौर सिंचाई पंप स्थापित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी एक आंकड़े निकल करके सामने आए हैं कि आपके जून 2020 तक की स्थिति में प्रदेश में 78,730 पंप स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। हमारे प्रदेश में जून 2020 तक की स्थिति में 78,730 पंप स्थापित किए जा चुके हैं। इससे प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए,
78,730 पंप स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि इस चालू वर्ष में 20,000 पंप और विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, 20,000 पंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके सौर सुजला योजना है, सौर सुजला योजना के अंतर्गत आपके जून 2020 तक की स्थिति में प्रदेश में 78,730 सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि इस वर्ष 20,000 पंप स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड। ये वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है समझिएगा, ये जो आपका वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी परिवारों को पीडीएस से राशन उपलब्ध कराना, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उन्हें राशन उपलब्ध कराना। देखिए दूसरे राज्यों में रह रहे प्रवासी परिवार, देखिए जैसे हमारे प्रदेश में मान लीजिए कोई आपके बीपीएल राशन कार्डधारी परिवार है, ठीक है, बीपीएल राशन कार्डधारी परिवार है, उनको प्रदेश सरकार के द्वारा एक राशन कार्ड जारी किया गया है, लेकिन अगर वो मजदूरी करने या कोई कार्य करने के लिए वो दिल्ली में जाकर के रह रहा है या महाराष्ट्र में जाकर के रह रहा है, तो उसे छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड पर पहले राशन नहीं मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड। इस वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को पीडीएस के अंतर्गत राशन प्रदान किया जाएगा, यानी अगर छत्तीसगढ़ का कोई बीपीएल राशन कार्डधारी मजदूर या कोई प्रवासी दिल्ली या महाराष्ट्र में जाकर के कार्य कर रहा है या वहां जाकर मजदूरी कर रहा है, तो वो अब छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड दिखा करके भी वहां के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन उठा सकता है। ठीक है, देखिए ये लागू होगा, ये पूरे देश भर में लागू होगा आपके 1 जनवरी 2021 से, अखिल भारतीय स्तर पर इसे लागू कर दिया जाएगा अंतिम तौर पर आपके इस वन नेशन वन राशन कार्ड को 1 जनवरी 2021 से, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में ये लागू होने जा रहा है आपके 1 अगस्त 2020 से। ठीक है, अगस्त 2020 से ये हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा, जबकि देश के 17 राज्यों में ये ऑलरेडी 1 जून 2020 से लागू हो चुका है। देश के 17 राज्यों में 1 जून 2020 से ये आपका वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो चुका है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2020 से लागू होगा, और अंतिम तौर पर पूरा अखिल भारतीय स्तर पर ये आपका 1 जनवरी 2021 यानी नेक्स्ट ईयर लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बायोटेक किसान हब। इसके अंतर्गत आपके बस्तर संभाग के जिलों को शामिल किया जा रहा है, बस्तर संभाग के 7 जिले कौन कौन से हैं, एक है आपका कांकेर है, नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बस्तर है, कोंडागांव है, तो बस्तर संभाग के 7 जिलों को आप 7 जिलों में आपका BKH यानी बायोटेक किसान हब स्थापित किया जाएगा। देखिए इस परियोजना के तहत ये जो आपके 7 जिले हैं, तो 7 जिले यानी प्रत्येक जिले के 5 गांव के 10-10 किसानों का चयन किया जाएगा। इस बायोटेक किसान हब के अंतर्गत जो आपके बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, उन 7 जिलों में से प्रत्येक जिले के 5 गांव के 10-10 किसानों को इसमें चयन किया जाएगा। इस प्रकार से कुल 350 किसान, ठीक है, कुल 350 किसान इस आपके बायोटेक किसान हब के अंतर्गत चयनित होंगे। ठीक है, आगामी 2 वर्ष में इसमें 4.10 करोड़ यानी 4,10,00,000 की लागत परियोजना इसमें लगाई जा रही है, इसमें व्यय हो रहा है। ठीक है, देखिए समझिएगा, इस बायोटेक किसान हब के अंतर्गत किसानों की एक एकड़ भूमि पर प्रतिवर्ष 2,00,000 तक का आय अर्जित करने का मॉडल विकसित किया जा रहा है। देखिए बायोटेक का मतलब क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों की एक एकड़ भूमि है, उस एक एकड़ भूमि पर प्रतिवर्ष 2,00,000 तक की आय अर्जित करने का एक मॉडल विकसित किया जा रहा है, यह केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के बायोटेक किसान हब के अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिलों को शामिल किया गया है, इन 7 जिले के प्रत्येक जिले में से 5 गांव के 10-10 किसानों का चयन किया गया है, यानी टोटल ओवरऑल 7 जिले से आपके 350 किसानों का चयन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भृंगराज पक्षी, जिसे स्थानीय जनजाति गोड़ी भाषा में कहते हैं आपका पाहन डूट पिट्टे। ये जो आपका भृंगराज पक्षी है, ये आपके अबूझमाड़ की पहाड़ियों में मिलता है आपका भृंगराज पक्षी। देखिए ये जो भृंगराज पक्षी है, ये अन्य पक्षियों के साथ साथ मनुष्य की बोली को समझने में,
ठीक है, मनुष्य की बोलियों को समझने में भी सक्षम भी है और उनकी नकल भी करता है, ठीक है। जिस प्रकार से जो आपका तोता है, तोता जैसे आपके इंसानों की भाषा की नकल करता है, उसी प्रकार से जो आपका भृंगराज पक्षी है, ये अन्य पक्षियों के साथ साथ ये मानव की जो बोली है उसे समझने में भी सक्षम है और उनकी नकल करके बोलने में भी सक्षम है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका भृंगराज पक्षी है, भृंगराज पक्षी की जो पिछली पंख है वो काफी लंबी और आकर्षित होती है। इस जो पंख, उसकी जो पंख है, पिछले पंख को जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो आपके स्थानीय आदिवासी है उसे अपने सर का ताज बनाते हैं। जैसे कि आपके जनजाति में शामिल है आपकी गोड़ जनजाति, माड़िया जनजाति, मुरिया जनजाति, दंडामी माड़िया जनजाति, ठीक है। तो ये जो जनजाति है ये आपके नृत्य के समय जो अपने सर पर जैसे बायसन हॉर्न वाला एक मुकुट पहनते हैं, उस मुकुट के ऊपर लगाते हैं इस भृंगराज पक्षी का पिछला पूंछ या पिछला पंख, ठीक है। और महिलाएं भी अपने बालों में इस भृंगराज पक्षी के पंख को लगाती है, काफी आकर्षित होता है इसका पिछला पंख, ठीक है। तो देखिए, ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ के स्थानीय जनजाति या स्थानीय आदिवासियों के सर का ताज होता है इसका पिछला पंख। ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका भृंगराज पक्षी है इसे आपके जंगल का पहरेदार या कोतवाल कहा जाता है, जंगल का पहरेदार या कोतवाल। देखिए, ये जो आपका भृंगराज पक्षी है ये आपके हिंसक जो जानवर है, हिंसक जानवर मतलब शेर, बाघ, भालू, ठीक है, चीता, ये सारे जो हिंसक जानवर है इन्हें काफी परेशान करता है। जब भी ये आपके शेर, भालू, चीता किसी अन्य जानवर के शिकार के लिए घात लगा करके बैठे रहते हैं तो ये इनके आगे आगे काफी तीखी आवाज में चिल्लाते हुए ये उड़ता है, जिससे जो सामने अगर कोई हिरण है तो हिरण पहले से सचेत हो जाता है और वहां से भाग जाता है। तो ये हिंसक जानवरों को काफी परेशान करता है और अन्य जानवरों का इन हिंसक जानवरों से रक्षा करता है, जिसके कारण इसे जंगल का पहरेदार और आपका कोतवाल भी कहा जाता है। तो भृंगराज पक्षी कहां मिलता है? अबुझमाड़ की पहाड़ियों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आपके वैनेडियम धातु की पटरी। वैनेडियम धातु की पटरी जिसे विकसित किया जा रहा है आपके भिलाई स्टील प्लांट में। भिलाई स्टील प्लांट में देखिए, जो भिलाई स्टील प्लांट में एक वैनेडियम धातु की पटरी बनाई जा रही है जिसे नाम दिया जा रहा है R260 ग्रेड, ठीक है, R260 ग्रेड। ये जो पटरी है ये हाई स्पीड ट्रेनों के लिए बनाई जा रही है, हाई स्पीड ट्रेनों के लिए पटरी बनाई जा रही है। ये पटरी काफी सख्त श्वेत यानी सफेद चांदी रंग की एक धातु होती है जिसपे आघात का बहुत कम असर होता है, ठीक है, जिसपे आघात का बहुत कम असर होता है यानी उस पर चोट बहुत कम पड़ती है, ठीक है। देखिए, ये जो आपके वैनेडियम धातु की जो बनी हुई पटरी है इसकी मजबूती और इसका जो उम्र है ये अन्य पटरियों की तुलना में दोगुना होता है, ठीक है, अन्य पटरियों की तुलना में दोगुना होता है। जो आपके जो हमारे मिलिट्री में, जो भारतीय सेना में जो आपके बख्तरबंद जो आपके टैंक रहते हैं उनकी जो गाड़ियां होती है वो इसी वैनेडियम धातु से ही बनाया जाता है, ठीक है। वैनेडियम एक मेटल है जो आपके चीन, रूस, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया के साथ साथ भारत के कुछ क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। तो इस वैनेडियम धातु से बनाया जा रहा है आपका पटरी जिसे नाम दिया गया है R260 ग्रेड, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ वन लाइनर आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जैसे प्रदेश में जो है आपकी शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, हमारे छत्तीसगढ़ में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता है आपके 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, यानी हमारे प्रदेश में एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 55 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ई पंचायत पुरस्कार। ई पंचायत पुरस्कार ये हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ इस ई पंचायत पुरस्कार में सेकंड स्थान पर है, ठीक है। इसे ई पंचायत का दूसरे नंबर का पुरस्कार मिला है। इसे यह पुरस्कार मिला है आपके ICT के प्रयोग के लिए, पंचायत सशक्तिकरण में, ठीक है, पंचायत सशक्तिकरण में ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपका इंफॉर्मेशन यानी सूचना, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब संचार, सूचना एवं संचार का प्रयोग किए, सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग किए जाने के लिए, पंचायत सशक्तिकरण में सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग किए जाने के लिए हमारे इस छत्तीसगढ़ को मिला है ई पंचायत का द्वितीय पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका संसद रत्न पुरस्कार, ठीक है, संसद रत्न पुरस्कार। ये संसद रत्न पुरस्कार मिला है आपके हमारे प्रदेश की छाया वर्मा, ठीक है, प्रदेश की छाया वर्मा जो कि वर्तमान में आपकी राज्यसभा की सदस्य है, तो राज्यसभा की सदस्य छाया वर्मा को इस साल आपका संसद रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है। टोटल 10 लोगों को यह पुरस्कार मिला है जिसमें से 8 जो है वो लोकसभा के सदस्य है और जो 2 है वो आपके राज्यसभा के सदस्य है। तो 2 राज्यसभा के सदस्यों में से 1 है आपकी छाया वर्मा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की छाया वर्मा को मिला है आपका संसद रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है फूड पार्क, ठीक है, फूड पार्क आपके बेमेतरा जिले
जिला के चंदनू और रवेली में फूड पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये अभी प्रस्तावित है, ठीक है, अभी केवल भूमि चिन्हित किया गया है, यहाँ पर आपका फूड पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर? चंदनू और रवेली बेमेतरा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके कोको की खेती। कोको की खेती जो कि की जा रही है आपके कोंडागांव जिले में, कोंडागांव जिले में किया जा रहा है कोको, कोको मतलब कोकोनट यानी नारियल की खेती, ठीक है, कोको की खेती की जा रही है आपके कोंडागांव जिले में। देखिए पूरे देश भर में जो आपके कोको के उत्पादन में यानी नारियल के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है आपके केरल, ठीक है, केरल आपका अग्रणी राज्य है। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का जो आपका कोंडागांव जिला जो है, कोंडागांव जिला जिस प्रकार से आपके केरल जो आपका राज्य है वहाँ पर आपकी कोकोनट के उत्पादन के लिए एक परिवेश, एक प्राकृतिक परिवेश जैसे वहां पे मौजूद है, उसी तरीके की परिवेश और जलवायु हमारे छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मौजूद है, ठीक है। और हमारे छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में प्रदेश का एकमात्र नारियल विकास बोर्ड भी मौजूद है, प्रदेश का एकमात्र नारियल विकास बोर्ड भी मौजूद है हमारे कोंडागांव जिले में, ठीक है। तो इस कोंडागांव जिले में हो रही है आपके कोको की खेती, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रदेश का पहला अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल, प्रदेश का पहला आपका अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल ये बनाया जाएगा आपके रायपुर जिले में, रायपुर जिले में प्रदेश का पहला अल्पसंख्यक के अंतर्गत आपके सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, आपके पारसी, बौद्ध, जैन, ये सभी आपके अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यक की गर्ल्स यानी बालिकाओं के लिए बनाया जा रहा है आपका छात्रावास, ठीक है, एक हॉस्टल बनाया जा रहा है जो कि प्रदेश का पहला अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल होगा आपके रायपुर में। उस रायपुर के बाद आपका ऐसे ही आपके अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे आपके दुर्ग में, कवर्धा में और आपके राजनांदगांव में, ठीक है। तो प्रदेश का पहला अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है आपके रायपुर जिले में, ठीक। तो आज का करंट अफेयर हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।